मैं अपना नामांकन कर दिया है सदर 375 गाजीपुर से MIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। कितने सेट में किए हैं? मैंने एक सेट में किया है और सब चीजें दुरुस्त हैं। क्या मुद्दा है आपका? एक मुद्दा हमेशा से विकास कर रहा है, लोगों ने वादा तो किया है लेकिन इरादा मजबूत नहीं किया। मैं यही कहता हूँ कि गाजीपुर के लिए मैं एक बड़ा इरादा लेके चल रहा हूँ। अगर यहाँ की आवाम हमें जिताकर विधानसभा पहुँचाती है तो जो भी जनता का पैसा है, जो भी उनके लिए आवंटन होता है सरकार द्वारा, मैं पूरा का पूरा उन जनता के लिए इस्तेमाल करूँगा। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे, गाजीपुर की आवाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक बहुत अच्छा विकल्प है इनके लिए। हमेशा से लोगों ने व्यक्ति विशेष और किसी न किसी चेहरे को लेकर राजनीति की गाजीपुर वालों को, और यहाँ पे कभी भी हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं रही है। मैं चाहता हूँ कि आप इस इरादे से गाजीपुर के विकास के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब बनाइए, बस यही चाहता हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बड़ा इंकलाब गाजीपुर की सरजमीं में देखा। डॉक्टर साहब, विधानसभा बसपा भाजपा कांग्रेस मजबूती से लड़ रही, अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं अपने आप को एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में अपने को देख रहा हूँ, और जिस तरह से जनता का और प्यार गाजीपुर वालों का मिल रहा है, पिछले 4-5 सालों में इस क्षेत्र में चल रहा हूँ, इससे पूरा यकीन है कि गाजीपुर की जनता इस बार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को जिताकर हमें वहाँ पर विधानसभा तक पहुँचेगी।